नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। देखो, आज हम दो यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टॉपिक क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। काफी विद्यार्थियों को रिजल्ट से लेकर कंफ्यूजन है, इसके बारे में समझाने वाला हूँ। पास हो गए उनको क्या करना है, फेल हो गए उनको क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक बात करेंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी। मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम, सबसे बड़ी अपडेट, 5 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। उनके गाइडलाइंस को लेकर बात करेंगे, एडमिट कार्ड को लेकर नोटिस जारी हुआ है, हार्ड कॉपी से संबंधित भी एक नोटिस जारी हुआ है, आपको क्या करना है, एग्जाम कैसे देना, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं वीडियो में, अंत तक बने रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर अपडेट है। मैंने पहले से बताया, सप्लीमेंट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए और मत्स्य यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अपडेट होने वाली है। वीडियो पूरा देखना, सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल रहेगा तो कमेंट कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज, देखो सारी चीजों पर। आर यू राजस्थान यूनिवर्सिटी, यूजी सप्लीमेंट्री फॉरम आपने लगाया था, रिवेल का लगा रखा था भैया, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट आ गया, लिंक अवेलेबल करवा दिया टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह आपको लिंक भी अवेलेबल करवा दिया था, वहां से रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट जब चेक किया तो रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, पास है, फेल है, कितने नंबर आए, किस हिसाब से आए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पास होगा तो क्या लिखाएगा, और कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि मैंने तो रिवेल एक ही पेपर में लगाया था, वहां पर 3-4 पेपर देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, इस बार रिवेल के रिजल्ट जब भी आए तो रिजल्ट्स में गड़बड़ी देखने को मिली, यानी कि हमने लगाया कुछ था, दिखा कुछ रहा, तो थोड़े समय के लिए, लगभग 2-4 घंटे के लिए ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है वेबसाइट पर जाने के। दोबारा से रिजल्ट चेक कर रहे हैं ना, जिसको रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा हो, वहां पर शाम तक आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखें, जिसको भी दिक्कत लग रहा है। दूसरा बात करो, जरूरी नहीं है कि आप फेल आए हैं तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता भैया। मार्कशीट ऐसे जो होती है, यहाँ पर कॉर्नर पे जो वर्ड होता है, जो जहां पर रिजल्ट आपका देखने को मिलता है, पास और फेल वाला सिस्टम है ना। अब किसी का ध्यान रखो, यहाँ पे डिवीजन दिखाता है, क्योंकि आप फाइनल ईयर का रिवेल लगाए हो, सप्लीमेंट्री का ध्यान रखे, जिसके आई बना हुआ है, आई का मतलब ऐसे डंडा लिखा हुआ है ना, एकदम बिल्कुल आई, ये भी होता है और ये भी आई होता है, ध्यान रखे। अगर ऐसा डंडा लिखा हो तो ध्यान रखना आपका पेपर क्लियर हो गया भैया, पास हो गए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, ध्यान रखे। यहाँ पे ऐसा दो डंडे आए, ध्यान रखो, ऐसे सीधे दो डंडे दिखा दे तो आप सेकंड डिवीजन पास हो गए, ये ध्यान रखे। केवल पास लिखा आ जाए तो यानी आप पास हो गए, इसके अलावा फेल लिखे आए तो समझना कि आप फेल हो गए हैं, जो पेपर में आपने रिवेल लगाया तो उसमें नंबर नहीं बढ़े हैं, फेल थे और फेल हो गए, ध्यान रखे। अब क्या करना है, अब देखो, जो फेल हो गया है अपने इसी रोल नंबर से, जो आपने सप्लीमेंट्री रिवेल लगाया था, अपना डाटा ओपन करेंगे, ध्यान रखें, और अपना एग्जाम फॉरम भर देंगे। फॉरम की डेट यहाँ पर चालू है, ध्यान रखें, एग्जाम फॉरम से रिलेटेड। अब जो फेल हुआ है फाइनल में उसी का है तो फॉरम भरेंगे, तो यहाँ पर फॉरम चालू है, कल 31 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है, इसके बाद में बढ़ेगी तो बता दूंगा, नहीं तो ध्यान रखें, फिर परसों से 1 तारीख से आपकी 100 रुपए लेट फीस के साथ में फीस रहेगी। ये अपडेट है इस वाले, फेल हो गए जिनको लगता है कि भैया मुझे ये चीजें मुझे कंटिन्यू करनी है, वापस वही पेपर देना है, ध्यान रखो, तो वो उनके लिए वो अपडेट होगी। अब जो पास हो गए, देखो, अब जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो कहीं ना कहीं से पीजी करेंगे, तो आप जहां से पीजी करने का सोच रहे हैं वहां से पीजी कर लीजिए, ध्यान रखिए। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज पीजी करना चाहते हैं, फॉर्म आपका चालू है, 31 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है, उसकी भी डेट बढ़ेगी तो बता दिया जाएगा, नहीं तो 100 रुपए लेट फीस के साथ में फिर फॉर्म चालू रहेंगे। स्क्रीन पर आपको डेट्स देखने को मिल रही है, ये अपडेट है इनसे रिलेटेड, ठीक है, ये बात हो गई यहां पर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को। अब जिसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, रोल नंबर लगा रहे हैं तो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, ऐसे कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है, तो ध्यान रखें, कल तक इंतजार कर लेना, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी चले जाना भैया, क्योंकि टाइम लगेगा फिर। अगर 24 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट अपडेट वहां पे नहीं हो रहा है तो फिर किसी ना किसी कारणवश आपका रिजल्ट रुका है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, इंतजार करें थोड़ा सा, ये ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी जाए ना एक बार, आपको अपडेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी 5 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रही है। अब देखो, सभी की 5 फरवरी से थोड़ी ना है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की, किसी का 6 तारीख से होगा, किसी का 7 तारीख से होगा, यानी आपके पास जो सब्जेक्ट अवेलेबल है वो तो आपने टाइम टेबल में देखा होगा। आप जिसको टाइम टेबल नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, एक दिन और परेशान हो लो, यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, आज नोटिस आया मत्स्य यूनिवर्सिटी का, एक उसके बारे में बात करेंगे। मत्स्य यूनिवर्सिटी के नोटिस में दिया है कि भैया 1 फरवरी 2024 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, या फिर बात करो हमारे टेलीग्राम पर आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वहां पर 1 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, ठीक है भैया। मत्स्य यूनिवर्सिटी यूजी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अपडेट है, आपको एडमिट कार्ड वहां से देखने को मिलेगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं गाइडलाइंस को लेकर, क्या आपको ध्यान रखना है मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, ध्यान रखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, आप जब एग्जाम देने जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना, एक आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, जाने के आधार कार्ड हो या फिर जो भी आपकी फोटो आईडी आपके पास अवेलेबल है
वो लेके जाना ध्यान रखें एग्जाम जहां पर भी आप देने जाए, जो भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर देखने को मिले, एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ध्यान रखें एडमिट कार्ड पर कुछ नहीं लिखना है, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मैं बताता आया हूं हमेशा, एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखना है फालतू की चीजें। जहां पर साइन का ऑप्शन है भैया खुद के साइन कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाद में मत लिखना उसमें किसी का रोल नंबर लिख रहे हैं, किसी का क्या कुछ लिख रहे हैं, कुछ पर्सन लिख रहे हैं, कुछ भी मत लिखना है। ध्यान रखें केवल अपना जो साइन जहां पे मांगे तो करवा लेना, और नहीं तो सीधे एग्जाम देने जाना है आधार कार्ड के साथ में। ध्यान रखें लेके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दो ही चीज लेके जानी है, अलावा कुछ भी नहीं ले जाना, नहीं तो चीटिंग केस लग जाएगा, फिर फंस जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी चक्कर काटने पड़ेंगे। ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब एडमिट कार्ड जब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके पास जो एनरोलमेंट के साथ में जो आपका एडमिट कार्ड में है, ध्यान रखें जो रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, ये ध्यान रखें। ओमार सीट में बहुत ध्यान से भरना है, कुछ समझ में नहीं आए तो पहले टीचर से पूछो उसके बाद में भरो। ऐसा नहीं कि पहले भर दिया उसके बाद में टीचर से पूछ रहे कि ये गलती हो गई मेरे से, ऐसा नहीं करना है भैया। पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इसमें क्या भरना है, पहले टीचर से पूछ लो भैया, कोई मतलब इसमें बुराई नहीं है पूछने में, कोई दिक्कत नहीं। टीचर की ड्यूटी यही होती है, जो लगता है ड्यूटी, जिसकी भी हॉल में रहने वाली है, कमरे में रहने वाली ड्यूटी, वो यही बताने के लिए लगा हुआ है कि आपको कोई फोरम में आपके जो यहाँ पे जो ओमार सीट होने वाली है उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि उत्तर पुस्तिका में कोई गलती नहीं करनी, कुछ समझ में नहीं आया तो पहले पूछ लेना, नहीं तो ओमार सीट वाला सिस्टम है भैया हल्की सी भी गलती आपको एग्जाम से बाहर कर देगी, क्योंकि ओमार सीट काउंट बहुत गलतियां काउंट नहीं होती वहां पर, ध्यान रखो पूरी ब्लैक हो जाती है। ध्यान रखें इसलिए कह रहा हूँ ओमार सीट में कोई गलती नहीं करनी है, बहुत अच्छे से सोच समझ के रोल नंबर एनरोलमेंट और जो गोले काले करने हैं बहुत सोच समझ के करने हैं। ओमार सीट पर पैटर्न होने वाला है, एबीसीडी वाला पैटर्न है, एमसीक्यू पेपर किस हिसाब से तैयारी करनी है इसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। कुछ तैयारी से रिलेटेड और वीडियो आपको दो चार दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट के ध्यान रखें मिलेगा, ये कंफर्म है मिलेगा, मैं आपको वादा दिलाता हूं, ठीक है। अभी एग्जाम है आपके पास, 4-5 दिन का समय है, इस बीच कुछ ना कुछ आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, प्रयास कर रहा हूं हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। एग्जाम देने जाना है जब जिस दिन डेट हो समय से पहुंचना, सबसे बड़ी बात। इस बार क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही इस बार चीजों क्या लागू कर दिया गया कि आपके जो एग्जाम है, पहले क्या होता था कि 10 बजे एग्जाम है ना, तो लोग 10 बजे तक पहुंचते थे और सेंटर वाले एंट्री कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। ध्यान रखिए गेट बंद कर दिया जाएगा, इसलिए समय से सेंटर पहुंचेंगे। बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूँ भैया, सेंटर समय से पहुंचना है, कहीं गलती नहीं करनी। डेट्स यहाँ पर जो टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड है ना, ठीक है, ये बात होगी गाइडलाइंस को लेकर। एडमिट कार्ड आधार कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, 1 तारीख को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जिनका एडमिट कार्ड 1 तारीख को नहीं निकलेगा उनका कारण क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम फॉर्म की जो हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई होगी, इस कारण से उनका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। तो आपके पास समय है भैया, अभी भी जमा करवा दो। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है भैया कि 1 तारीख तक तो आपका ध्यान रखो, किसी ने जमा करवा रखा तो बहुत अच्छी बात है, और उसका एडमिट कार्ड चेक करना 1 तारीख को। अगर किसी ने जमा नहीं करवाया और एडमिट कार्ड आप चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना जो कॉलेज था जिस कॉलेज के लिए आपने फॉर्म भरा था, जो फॉर्म में जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वहीं पे जाना, उस हार्ड कॉपी को जमा करवाना, ध्यान रखें वहां से ही ऑनलाइन पोर्टल पर वहां पे जारी कर दिया जाएगा। आपको ये अपडेट है भैया, 1 तारीख से यह सुविधा भी चालू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ने यह मैसेज डाला है, यहाँ पे नोटिस में भी लिखा गया, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, ध्यान रखें ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो ये अपडेट है मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये अपडेट थी राजस्थान यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट रिवाइज से रिलेटेड। अब कोई लगता है कि कहीं सवाल आपका छूट गया है इन दोनों टॉपिक के अलावा, या फिर जो लगता है कि आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर जवाब देखने को मिलेगा। अब देखो ऐसा है नहीं कि आप सवाल करें तुरंत ही जवाब मिल जाए, क्योंकि 24 घंटे में लगभग 500-700 मैसेज आ जाते हैं, सभी का रिप्लाई देना, तुरंत जवाब देना, किसी से चैटिंग कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहता हूं एक बार में अपना पूरा सवाल लिखेंगे, जिसको रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा अपने मार्कशीट भेजो भैया, वहां पर सवाल लिख दो एक बार में, ठीक है, उसे पता चल जाएगा सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट थी राजस्थान यूनिवर्सिटी मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब आने वाले समय में कोई अपडेट चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे जहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या चल रहा है हमारे भारत में, जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल से, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।